नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में बात दिल्ली की सर्दी वाले शास्त्र की और राजनीतिक गर्मी वाले शास्त्र की। वैसे तो सर्दी और राजनीति का कोई तालमेल नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिल्ली में पॉलिटिक्स के 2024 वाले एंगल ने सर्दी के मौसम में भी पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए। सोचिए, जब दिल्ली का तापमान 1.4 डिग्री तक लुढ़क गया तो 2024 की राजनीतिक लड़ाई ने दिल्ली के तापमान को हाई कर दिया। मतलब यह हुआ कि दिल्ली का तापमान डाउन है, लेकिन उसी दिल्ली में पॉलिटिक्स का तापमान बहुत हाई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अगले 84 घंटे तक 0 डिग्री का खतरा आप पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिल्ली के लिए जारी कर दिया है। तो दूसरी तरफ 2024 के लिए बीजेपी के चैलेंज ने विपक्षी खेमे का तापमान बढ़ा दिया है। बस अगले कुछ घंटे और 0 डिग्री वाला टॉर्चर दिल्ली वालों पर सितम ढाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1.4 डिग्री तक दिल्ली का तापमान लुढ़क चुका है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 3 दिन सर्दी के तमाम रिकॉर्ड टूटने तय हैं। अगर पारा 0 डिग्री तक लुढ़क जाए तो भी हैरत की बात नहीं। मतलब ये कि जिस वक्त सर्द सुबह और सर्द रात की वजह से दिल्ली का टेम्परेचर लुढ़क रहा है, ठीक उसी वक्त प्रचंड ठंड में पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई दिखा। ऐसा क्यों? आप दिल्ली की 3 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली में अगले कुछ दिन भारी हैं, यानी सर्दी अभी गई नहीं है, कंपकपी छुड़ाने वाली सर्दी अभी बाकी है। दूसरी तस्वीर 2024 में विरोधियों को दिल्ली की सर्दी की तरह ठंडा करने वाले प्लान के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है। तो तीसरी तस्वीर बताती है कि भले ही दिल्ली में प्रचंड ठंड हो, लेकिन दिल्ली के राज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सियासी लड़ाई से तापमान बहुत हाई है। ये है कि जो दिल्ली का तापमान है वो ओवर फॉल हुआ है। जैसे सफदरजंग जो 4.7 काल 8:30 में रिकॉर्ड किया गया था मिनिमम, आज वो 1.4 है, और लोधी रोड में भी आज 1.6 है, और पालम 5.3 एंड आयानगर 2.8 और 2.0 रीज। तो यानी जो दिल्ली है, दिल्ली में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव रात और सुबह हो रहा है। आज और कल अर्थात 16 और 17 जनवरी, यह दोनों दिन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। दिल्ली में 0 डिग्री की चेतावनी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से बीजेपी ने विरोधी खेमे की उम्मीद 2024 को ठंडा करने वाला मैसेज दिया। मतलब ये कि मौसम विभाग ने प्रचंड ठंड की चेतावनी जारी की तो दिल्ली से सत्ताधारी दल ने विपक्ष को सीधी चुनौती दे दी है। या यूं समझिए कि एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर के अंदर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है, तो कन्वेंशन सेंटर के बाहर कंपकपी छुड़ा देने वाली सर्दी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ। ये वही रोड शो है जिसने दिल्ली की सर्दी के बीच 2024 के आम चुनाव का मीटर हाई कर दिया। एक तरफ दिल्ली की सर्दी को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मोदी ने अपने रोड शो से पॉलिटिकल पारा हाई कर दिया। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई। मामला राहुल की लोकप्रियता और मोदी की लोकप्रियता की टक्कर तक पहुंच गया। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से
कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बस एक राहुल जी में समाई हुई है, राहुल जी से निकल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से उनको अलग कुछ दिख नहीं रहा है। सारे देश के विरोधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिल मिल करके खुश हैं। और एक दिन थोड़ा सा क्या 500 मीटर पैदल या गाड़ी पे चल रहे मोदी जी तो एकदम हाहाकार मच जा रहा है। अब हम आपको दिल्ली की सर्दी और राजनीति की गर्मी का पूरा शास्त्र समझाते हैं। जब पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं दिल्ली में दस्तक देती हैं, तो पारा लुढ़क जाता है, दिल्ली कपकपाने लगती है, यानी बर्फीली हवाएं शीतलहर बनकर दिल्ली वालों पर कहर ढा देती है। वहीं राजनीति का मौसम उस वक्त तक ठंडा रहता है जब तक चुनाव न हो, जब तक सियासी बयानबाजी न हो, जब तक पार्टियों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू न हो। बड़ी बात यह है कि चाहे राजनीति हो या फिर मौसम, दोनों का असर देश की राजधानी के लिए बहुत अहम है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी ने रोड शो करके इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को यह संदेश दिया है कि उनकी लोकप्रियता में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और आइए अब आपको राजनीतिक गर्मी वाले शास्त्र से कैसे 2024 की बिसात सजी है रिपोर्ट के द्वारा समझाते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रचंड ठंड के बीच बीजेपी का महामंथन जारी है, वही महामंथन जिसे 2024 में मोदी विरोधी गुट को ठंडा करने की रणनीति बनाई जा रही है। ...2024 का चुनाव मोदी बनाम ऑल विपक्ष होगा या फिर मोदी बनाम यूपीए बनाम थर्ड फ्रंट होगा, अभी तस्वीर साफ नहीं है। चुनाव में 1.5 वर्ष से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन एंटी मोदी गुट में चेहरे को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मतलब 2024 में मोदी के खिलाफ राहुल गांधी चेहरा होंगे, ममता बनर्जी होंगी, नीतीश कुमार होंगे या कोई और, अभी बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन बीजेपी की लाइन एकदम क्लियर है, चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे और सीटें भी 350 से ज्यादा जीतेंगे। या आज भारत के गांव हो या शहर, गरीब हो या मिडिल क्लास, किसान हो या श्रमिक, सभी की पहली पसंद भाजपा है। भाजपा को गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का भी अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है। यहाँ आपको समझना है कि दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले अमित शाह ने 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दावा नंबर एक, गुजरात के चुनावी नतीजे 2024 का आईना है। दावा नंबर दो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ मोदी ही मोदी। दावा नंबर तीन, 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। बहुत लोगों को लग सकता है कि ऐसा कैसे होगा, 2024 को लेकर बीजेपी की प्लानिंग क्या है, तो इसका जवाब है 2024 को लेकर बीजेपी के होमवर्क की डेटा शीट। बीजेपी ने लक्ष्य 350 की रणनीति पर एक्शन शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनावों से 1.5 साल पहले ही अपने लिए मुश्किल 160 सीटों की पहचान कर ली है। मतलब ये कि जिस वक्त विपक्ष चेहरे की लड़ाई में उलझा हुआ है, ठीक उसी वक्त सत्ताधारी पार्टी चुपचाप जमीनी स्तर पर माहौल बनाने में जुट गई है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बावजूद 2024 के मुश्किल सीटों का टास्क 144 से बढ़कर 160 कर दिया है।
बीजेपी ने उसी तर्ज पर 2024 में 350 से ज्यादा सीटों को हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिस तरह गुजरात में रखा था। तो इस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। बीजेपी का पूरा फोकस उन 160 सीटों पर है, जिसे जीतने के लिए 160 विस्तारकों को जमीन में उतार दिया गया था। बीजेपी की तैयारी को आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले मुश्किल सीटों की संख्या 144 थी, जिसे बढ़ाकर 160 कर दिया गया, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने एनडीए से किनारा कर लिया है। नीतीश के विपक्षी खेमे में जाने की वजह से बीजेपी को बिहार में मुश्किल सीटों को 4 से बढ़ाकर 10 करना पड़ा। ये 10 सीटें हैं नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मुंगेर, झांझापुर, गया और पूर्णिया। इसी तरह महाराष्ट्र में पार्टी का समीकरण थोड़ा गड़बड़ाया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद महाअघाड़ी में फूट पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीनों की एकता बनी हुई है, यही वजह है कि 10 नई सीटों को मुश्किल सीटों की लिस्ट में डाल दिया गया है। 160 मुश्किल सीटों का गणित अब नक्शे के जरिए समझिए। जिन सीटों को मुश्किल की लिस्ट में रखा गया है, उसमें पंजाब में 1, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 16, मध्य प्रदेश में 1, बिहार में 10, छत्तीसगढ़ में 2, झारखंड में 2, महाराष्ट्र में 16, बंगाल में 24, केरल में 18, आंध्र प्रदेश में 24, कर्नाटक में 2, तमिलनाडु में 5, उड़ीसा में 13 और तेलंगाना में भी 13। बड़ी बात तो ये है कि 160 सीटों की रिपोर्ट तैयार होगी। 160 मुश्किल सीटों के जातिगत और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए सोशल इंजीनियरिंग की नई रणनीति पर अगले 1.5 साल तक मेहनत होगी। और तो और 160 सीटें जीतने के लिए लोगों का एक ग्रुप बनेगा, वही ग्रुप जिसका पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा से संवाद कराया जाएगा। यहां तक कि 160 मुश्किल सीटों में 40 सीटों पर मोदी की बड़ी रैलियां होंगी। वैसे ही मोदी की रैलियों का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ 2024 से पहले राजनीतिक यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। आखिर दिल्ली में मोदी के छोटे रोड शो का मतलब क्या है, समझिए। बीजेपी के लिए 2024 में भी मोदी का मैजिक चलेगा। मिशन 350 का दिल्ली से शंखनाद हो गया। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मेहनती मोदी के आगे विपक्ष फेल होगा। मोदी के चेहरे पर 2024 की लड़ाई। वहीं कांग्रेस इस रोड शो को दूसरे एंगल से देख रही है, मतलब भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में बौखलाहट है। आज राहुल की लोकप्रियता का ग्राफ हाई है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन ब दिन घट रही है, यानी 2024 के लिए राहुल तैयार है। भले ही दिल्ली में मोदी ने छोटा रोड शो किया, शायद कोशिश यही है कि पार्टी कैडर चुनाव के लिए अभी से कमर कस ले, क्योंकि अब की बार जमीन पर उतरकर मेहनत करनी होगी। आज तक ब्यूरो। आपने दिल्ली के गिरते पारे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राजनीति से चढ़ता पारा देखा है, और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से राजनीति का पारा हाई कर रखा है। राहुल गांधी इस समय 3 डिग्री की ठंड झेल रहे पंजाब में है और उनका अगला पड़ाव 0 डिग्री की तरफ है, यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ। पूरे देश ने देख लिया और देख रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ एक टी शर्ट में घूम रहे हैं। अब राहुल गांधी पंजाब से 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर रवाना होने वाले हैं। जी हां, इस समय कश्मीर में बर्फ पड़ रही है। राहुल गांधी एक टी शर्ट में राजनीतिक पारा चढ़ाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर में ही संपन्न हो रही है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में चल रही है। पंजाब में आज पांचवा दिन है और भारत जोड़ो यात्रा जालंधर से होशियारपुर में दाखिल हो चुकी है। इस बीच पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू का परिवार भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाता दिखता है। जालंधर में यात्रा के दौरान दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भी राहुल गांधी के साथ चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मूसेवाला के पिता राहुल गांधी से गले मिलते हैं। पंजाब में भी इस वक्त विकट की ठंड पड़ रही है, लेकिन यहां भी राहुल गांधी व्हाइट रंग की हाफ टी शर्ट में ही चल रहे हैं। नई मुहिम है, एक नई जंग सी छिड़ रही है, क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा है। और उन्होंने कहा है कि ये जो इश्यूज हैं, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे वो बोल रहे हैं नफरत की राजनीति हो, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, अग्निवीर, ये सारी चीजें हैं जिनको बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पंजाब की 3 डिग्री वाली ठंड से आगे बढ़कर राहुल गांधी -डिग्री वाली तापमान में एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ, 19 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच रही है। 30 जनवरी को कश्मीर में ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की थी। अब तक ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरी है। उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में पूरी होगी। राहुल गांधी की यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी है। अब 30 जनवरी को कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे चोट किसको लगती है? किसान को लगती है, मजदूर को लगती है। बेरोजगारी की चोट हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं लगती, उनके बच्चों को नहीं लगती, हिंदुस्तान के आम नागरिक के बच्चों को लगती है। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और नफरत के खिलाफ। मैं भाषण में कहता हूं, फिर से दोहराऊंगा, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। 19 जनवरी को राहुल गांधी पंजाब जम्मू सीमा पर लखनपुर पहुंचेंगे। स्वागत करने के लिए वहां ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी लखनपुर से कठुआ पैदल चलेंगे। वो महिलाओं के लिए लड़ते हैं, वो बेरोजगारी। आज देखो, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, तो जब से यात्रा चली है कितने पखंड बनाए यात्रा रोकने पर, यात्रा चल रही है कंटिन्यू। कितना सुंदर संदेश दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे सेलिब्रिटी जुड़े हैं, कई नामी गिरामी हस्तियां भी जुड़ी हैं। फिल्मी दुनिया से स्वरा भास्कर, पूजा भट्ट, रिया सेन और आनंद पटवर्धन शामिल हुए, तो सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय भी शामिल हुई। तेलंगाना में रोहित वेमुला की मां राहुल गांधी के साथ आई। शिवसेना के आदित्य ठाकरे, महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में राहुल गांधी के हमशक्ल फैसल चौधरी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी है। भारत जोड़ो यात्रा का 122वां दिन, हमारे साथ इस वक्त जो शख्स चल रहे हैं हूबहू राहुल गांधी की तरह हैं, और शायद इसी वजह से इनका अपना एक फैनफेयर है, लोग सेल्फियां खिंचाना चाह रहे हैं। हमारे साथ है फैसल चौधरी, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले और इतना फैन फॉलोइंग कितना मिल रहा है? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जिला मेरठ से, और जो फैन फॉलोइंग मिलता है वो राहुल गांधी की कॉपी होने की वजह से मिलता है। देखिए, आप अगर इनका देखेंगे हुलिया जो है वो, एक बार आप कैमरा की तरफ देखिए, और बिल्कुल राहुल गांधी की तरह व्हाइट टी शर्ट और एक पैंट। तो सवाल ये उठता है, सर्दी हो रही है, मुंह से भाप निकल रही है, लेकिन आपने पहना है सफेद टी शर्ट, ठंड नहीं लग रही आपको? अगर हमारे नेता को ठंड नहीं लगेगी तो हमें भी नहीं लगेगी।
कितने किलोमीटर चल चुके हैं आप? मैं दिल्ली बॉर्डर से कंटिन्यू चल रहा हूं। हालांकि बीजेपी शुरू से राहुल गांधी की इस यात्रा का विरोध कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि ये भारत तोड़ो यात्रा है। नड्डा ने कहा था ये एक प्रायश्चित यात्रा है क्योंकि राहुल गांधी के पूर्वजों ने भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है और ये प्रायश्चित यात्रा है क्योंकि इनके पूर्वजों ने भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे लोग भारत जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे, बताइए जोड़ेंगे क्या? अब सवाल ये आता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का आकलन कैसे किया जाए क्योंकि इस यात्रा के दौरान गुजरात, हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव, लोकसभा की एक और पांच राज्यों में विधानसभा की छह सीटों पर उपचुनाव भी हुए। गुजरात में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की और कांग्रेस को सबसे बुरी हार मिली। हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। मकसद है यात्रा का कोई वोट लेने का नहीं है, मकसद है देश को एक और मजबूत बनाने का, सब भाईचारा फैलाने का और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतो या चुनाव जिताओ यात्रा नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद तीन मुद्दों पर भारत की जनता से संवाद करना है और इसके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करना है। भले ही कांग्रेस इसे चुनावी यात्रा ना बताए लेकिन ये सबको पता है कि इस यात्रा के चुनावी मायने हैं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी या कांग्रेस को इस यात्रा से क्या हासिल हुआ? तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इस यात्रा से राहुल गांधी की निजी छवि पर असर पड़ा है। जानकार कह रहे हैं कि मीडिया भी राहुल गांधी के बारे में अब बहुत कम बात करती है। होशियारपुर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।